कर दियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इंडिकेटर प्लांट्स एंड मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। इंडिकेटर प्लांट्स, इंडिकेटर प्लांट्स वो पौधे होते हैं जो किसी भी न्यूट्रिएंट की या किसी भी प्लांट न्यूट्रिएंट की पोषक तत्व की कमी को दर्शाते हैं। मतलब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी हो रही है किसी पौधों में, तो वो उन पौधों के जो सिम्टम, जो नाइट्रोजन की कमी के जो सिम्टम्स हैं, जो उनकी कमी के लक्षण हैं जो भी पोषक तत्व की, उनको दर्शाने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम इंडिकेटर प्लांट्स कहते हैं। इंडिकेटर प्लांट्स यही चीज़ है जो किसी भी एक इंडिविजुअल पोषक तत्व की कमी को दर्शाते हैं, वो इंडिकेटर्स प्लांट होते हैं। दोज प्लांट्स विच शोज द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ सम इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब किसी भी प्रकार की, जैसे कोई बोरोन की डिफिशियंसी दिखा रहा है, कोई मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी दिखा रहा है, कोई सीरियल्स क्रॉप में डिफिशियंसी, सीरियल्स क्रॉप है जो कोई नाइट्रोजन की डिफिशियंसी दिखा रहे हैं, कोई फॉस्फोरस की दिखा रहा है, इन सब प्लांट्स को इंडिकेटर प्लांट्स कहते हैं। ये एक टेबल है जिसमें अलग अलग एलिमेंट के, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के, अलग अलग जो पोषक तत्व हैं उनके डिफिशियंसी सिम्टम दिखाने के जो इंडिकेटर क्रॉप्स हैं, इंडिकेटर प्लांट्स हैं, वो दिए हुए हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मेनली सीरियल्स, मेज, सोरगम, पल्स जो खाने वाली फसलें होती हैं, और जो दाल वाली फसलें हैं, सोरगम है, ज्वार है, मेज है, इन सब फसलों में जो मेनली नाइट्रोजन के जो सिम्टम्स हैं, डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं, ये सब फसलें दिखाती हैं। इन सब को अपन इंडिकेटर प्लांट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, पत्तियां पीली पड़ती हैं, तो सीरियल्स क्रॉप में नाइट्रोजन की कमी सबसे पहले दिखती है। जैसे इसमें टिलरिंग कम होती है तो अपने को पता चल जाता है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी है या सोयल में है जो वो नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है। फॉस्फोरस, टोमेटो, मेज, सीरियल, ल्यूसीन, कुछ स्पेशल क्रॉप्स होती हैं, कुछ मतलब कुछ तो कॉमन क्रॉप्स होती हैं जो लगभग हर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी दिखाती हैं। जैसे सीरियल्स क्रॉप है, वो मेनली लगभग हर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दिखा देती हैं जब उनमें किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी जो है होती है। जैसे सीरियल्स क्रॉप है जो वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी भी दिखाती हैं, फॉस्फोरस की भी दिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद सल्फर की डिफिशियंसी भी सीरियल्स क्रॉप दिखाते हैं। और उसके बाद हमने देखें तो ये मेनली न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनकी डिफिशियंसी जो है क्रॉप्स दिखाती है, ये इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं। और पोटेशियम के लिए पोटैटो, बनाना, कॉटन, ल्यूसीन, ये सब प्लांट्स हैं जो पोटेशियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखाते हैं या पोटेशियम की डिफिशियंसी को इंडिकेट करते हैं। मैग्नीशियम के कॉटन, जो कॉटन क्रॉप है, कपास है, वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी दिखाती है, इनमें लीफ रिडेनिंग। जिंक में मेज, पैडी, जो चावल की जो फसल है, धान की फसल है, जो खैरा रोग होता है वो जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ये लगभग मान के चलो कि हर एग्रीकल्चर के हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला ही है कि धान का खैरा रोग किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, उसका आंसर होगा जिंक। सिट्रस, बीन्स, और उसके बाद सल्फर की डिफिशियंसी के सिम्टम जो वो मेनली सीरियल्स क्रॉप दिखाती हैं, लूसन, टी, जो चाय की क्रॉप है, चाय प्लांटेशन क्रॉप है, इसमें सल्फर की डिफिशियंसी ये दिखाती है, येलोइंग, इसकी पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। कॉपर की डिफिशियंसी हम सिट्रस, सीरियल्स, ये क्रॉप्स दिखाती हैं। और उसके बाद आयरन की शुगर केन, सोरगम, सिट्रस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो ये होते हैं अपने फ्लोवर वाले प्लांट्स होते हैं, जो उनमें ये इसकी आयरन की कमी के लक्षण ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ये भी दिखाते हैं। उसके बाद मैगनीज में सिट्रस, सनफ्लावर, शुगर बीट, चुकंदर की जो फसल होती है, चुकंदर के जो पौधे होते हैं वो मेनली मैगनीज की डिफिशियंसी को दिखाते हैं। उसके बाद कैल्शियम, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, शुगर बीट,
और उसके बाद मोलिब्डेन में जो वो कॉलीफ्लावर गोभी में जो विपटेल डिजीज होती है वो मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होती है। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन इसको हम फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन कह सकते हैं, जैसे किसी भी फर्टिलाइजर की या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अपन किस प्रकार से उसको देना है या कब देना है वो सब भी जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में आता है। फॉर प्रिपेयरिंग द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन नॉर्म्स ऑफ ईच ऑफ क्लास ऑफ सॉइल टेस्ट वैल्यू लो मीडियम हाई, मतलब फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो है किसी भी सॉइल टेस्ट की जो वैल्यू होती है, जो सॉइल टेस्टिंग के बेस पे अपन फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन करते हैं, किस हिसाब से कितना फर्टिलाइजर, कौन सा फर्टिलाइजर कौन सी सॉइल में अपने को देना है, वो एक सॉइल टेस्ट वैल्यू होती है लो मीडियम हाई, कुछ ये तीन तरह की इसकी वैल्यू होती है सॉइल टेस्ट की, लो मीडियम हाई, जिसमें लो वैल्यू में अपन कह सकते हैं कि जिसमें जो सॉइल फर्टिलिटी है या सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होती है सॉइल में, वो लो सॉइल टेस्ट में आती हैं। मीडियम में जिनमें न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो उसकी अदर जो प्रॉपर्टीज हैं सॉइल, जैसे बल्क डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है, पोर स्पेस है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो सब अच्छी होती हैं, ठीक ठाक होती हैं, उनको हम मीडियम में बोलते हैं। और हाई में वो सॉइल्स आती हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स फुल ऑफ अवेलेबल होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो भी सल्फर, कैल्शियम, ये जो भी हैं, और उनकी पीएच अच्छी होती है और बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी सब सही होती है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी प्लांट्स को वो ज़्यादा देते हैं, उन सॉइल्स का अपन हाई सॉइल टेस्ट वैल्यू में आते हैं। क्रॉप रिस्पॉन्स कर्व आर टू बी प्रिपेयर्ड, सॉइल टेस्ट वैल्यू और क्रॉप रिस्पॉन्स के बीच में एक कर्व बनाई जाती है, एक ग्राफ बनता है, जिससे अपन टेस्ट करते हैं कि रिकमेंड करते हैं फर्टिलाइजर को किस हिसाब से, कौन सा फर्टिलाइजर कैसे देना है। सॉइल टेस्ट वैल्यू के हिसाब से ग्राफ ऐसे बनता है कि जो अपन सॉइल के जो प्री सोइंग सैम्पलिंग करते हैं, एक किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले अपन सैम्पलिंग करते हैं, उसमें सॉइल की जो टेस्टिंग है वो अपन करते हैं, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने कितनी मात्रा में क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या क्या सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक अपन टेस्ट करते हैं क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद। इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन करके एक ग्राफ बनता है जो क्रॉप रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। दिस मे बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और मे बी ऑफ एवरेज नंबर ऑफ सॉइल एक्सपेरिमेंट और पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड सॉइल, ये एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, एक पर्टिकुलर सॉइल में, एक पर्टिकुलर एरिया में ये ग्राफ बनाया जाता है सॉइल टेस्ट वैल्यू और क्रॉप रिस्पॉन्स के बीच में। सॉइल टेस्टिंग इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक बिकॉज इट वॉज यूज टू मेक ए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर एन इकोनॉमिक गोल विच इज यूजली फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब ये जो इसका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक किसी भी क्रॉप को लेते टाइम या किसी भी क्रॉप की क्रॉप को ग्रो करते टाइम ये जो एक बनाया जाता है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, इसलिए यूज़ में लेते हैं कि इकोनॉमिक्स कंडीशन होती है, जो मतलब अपन एक देखते हैं कि कितनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपनी क्या आ रही है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है जो बढ़ जाएगी, और यदि उतनी यील्ड नहीं हुई तो अपना जो नेट प्रॉफिट है जो अपने को पर हेक्टेयर में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है या जो भी अपने को लाभ होना होता है वो कम हो जाता है। इस इन सब चीज़ों को देखते हुए फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन करते हैं, ताकि अपन जो भी उस क्रॉप में डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र किसी भी न्यूट्रिएंट्स के लिए या किसी भी और स्पेशलिटी के लिए, तो उसमें अपन एक चीज़ ये भी देखते हैं कि अपना खर्चा जो है क्रॉप रिस्पॉन्स जो है वो उतना ना हो, क्रॉप रिस्पॉन्स जो है जो या फिर अपनी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, और जो अपने को पर हेक्टेयर में जो प्रॉफिट है वो अपना सही रहे। पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, या मतलब कुछ कह सकते हैं कुछ मेन जो मुद्दे हैं या ऑब्जेक्टिव हैं जो जिनको देखते हुए अपन फर्टिलाइजर किसी भी फर्टिलाइजर को रिकमेंड करेंगे। इनिशियल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल,
मतलब जो स्टार्टिंग में जो क्रॉप लगाने से पहले अपन देखते हैं कि जो क्या सोयल का जो है क्या फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, मतलब सोयल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे कि उसमें कितनी नाइट्रोजन अवेलेबल है, कितनी फॉस्फोरस अवेलेबल है, क्या उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, क्या उसकी बल्क डेंसिटी है, कितना उसमें पोर स्पेस है, कितनी मात्रा में जो क्रॉप है न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के बाद अपन किसी भी फर्टिलाइज़र को रिकमेंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र में अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है किसी भी जो भी अपन फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, या जब कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जैसे अपन नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन अलग अलग फर्टिलाइज़र रहते हैं। नाइट्रोजन में भी यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, और काफ़ी प्रकार के जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र होते हैं। अपन कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिसकी अपने को कॉस्ट कम रहे और जो अपनी यील्ड है वो अपनी मैक्सिमम जाए, अपनी कॉस्ट कम रहे और यील्ड जो है अपनी मैक्सिमम जाए, किस हिसाब से अपन कौन सा फर्टिलाइज़र चूज करें। प्रोडक्टिव पोटेंशियलिटी ऑफ द लैंड, मतलब जो सोयल है, जो भी मृदा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो मतलब उसकी वो एक एवरेज यील्ड क्या दे रही है, या फिर अपने किसी भी फर्टिलाइज़र को रिकमेंड करते हैं या फर्टिलाइज़र डालने के बाद उसकी एवरेज यील्ड से वो कितनी बढ़कर यील्ड देगी, कितना अपनों को प्रॉफिट देगी, वो चीज़ भी अपन देखते हैं एक, ताकि अपन ये ना हो कि अपना जो है फर्टिलाइज़र जो अपने फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र जो डाल रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, उसके बाद अपने को एवरेज यील्ड उतनी ना मिले। पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी अपने इस हिसाब से कह सकते हैं कि जैसे किसी भी क्रॉप, किसी भी क्रॉप में अपन कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या सोयल में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, उसके बाद जो भी क्रॉप अपन ले रहे हैं उसके लिए जो उसकी जो एक रिस्क अवेलेबिलिटी है ना, जो मतलब क्रॉप डैमेज ना हो जाए, क्रॉप ख़राब ना हो जाए, कई बार वेदर कंडीशन से या इरिगेशन की वजह से या और नेचुरल डिजास्टर से जो क्रॉप जो ख़राब ना हो, उसकी जो वो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। यदि किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में कई बार क्या होता है कि क्रॉप डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से अपन फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में अपने पास अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है कि अपने पास फर्टिलाइज़र जो है वो पूर्णतः पूरी मात्रा में अपने पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो किस टाइम पे कितना फर्टिलाइज़र अपने को देना है ताकि अपनी जो क्रॉप है एक एवरेज यील्ड जो है अपनी आ सके। क्रॉप्स टू बी ग्रोन, मतलब कौन सी क्रॉप है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ये सीरियल क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं और ऑयल सीड क्रॉप हैं, इन सब की क्या है जो एनपीके की डोज होती है वो अलग अलग होती है। सीरियल्स में नाइट्रोजन ज़्यादा डलती है और पल्सेस क्रॉप होती है जो उनमें नाइट्रोजन कम डलती है, और जैसे जो पोटैटो क्रॉप है उसमें जो पोटेशियम है वो ज़्यादा डलेगा। इस हिसाब से अपन कौन सी क्रॉप ले रहे हैं, उस क्रॉप में उस क्रॉप की क्या रिकमेंडेड डोज है, क्या रिकमेंडेड डोज है उस क्रॉप की, उस हिसाब से अपन देखते हैं। जो भी उस क्रॉप की रिकमेंडेड डोज होती है उस हिसाब से अपन क्या उसकी जो फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन है उसको एडजस्ट करते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द फर्टिलाइज़र सेलेक्शन एंड फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, मतलब फर्टिलाइज़र सेलेक्शन के लिए और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फर्टिलाइज़र सेलेक्शन के लिए जो इन दोनों के लिए मेनली जो है दो चीज़ें हैं, सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रॉप्स टू बी ग्रोन। मतलब कुछ जो सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन कह सकते हैं जो एसिडिक क्रॉप्स होती हैं जिनकी पीएच 6.5 से कम होती है, उन क्रॉप्स में जो है नाइट्रोजनियस जो फर्टिलाइज़र हैं वो नहीं देने चाहिए। मतलब उन क्रॉप्स में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देने से उनकी जो पीएच है वो पीएच और कम हो जाएगी, तो वो एक पीएच जो है जो 5.5 से नीचे आने पर जो बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, ग्रो ही नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए फर्टिलाइज़र कौन सा फर्टिलाइज़र अपने को देना है उसके लिए सोइल करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ जो क्षारीय मृदाएं हैं या नॉर्मल लेवल की जो सेलाइन सोइल्स हैं, उन सब तरह की सोइल्स के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन होती है। क्रॉप्स टू बी ग्रोन, मतलब कौन सी क्रॉप अपन ले रहे हैं,
वही जो पीछे बताया था आपको, इधर क्रॉप्स टू बी ग्रोन में ये सेम ही चीज़ है। इधर जैसे कोई सीरियल्स के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, पल्सिस के लिए नाइट्रोजन कम चाहिए, ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए अपने को सल्फ़र देना पड़ता है, सल्फ़र जो है वो ऑयल सीड क्रॉप्स की जो ऑयल परसेंटेज होती है, ऑयल सीड क्रॉप्स में जो तेल की मात्रा होती है वो सल्फ़र की वजह से बढ़ती है। इस हिसाब से जो भी ये है हर तरह के जो करेक्टरिस्टिक सोयल करेक्टरिस्टिक से और क्रॉप्स कौन सी क्रॉप ले रहे हैं उस हिसाब से फर्टिलाइज़र का सिलेक्शन होते हैं। और एप्लीकेशन मेथड मेनली फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन अपने कुछ मेथड्स हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड है या जो सोइंग के टाइम है अपन सोइंग के साथ देते हैं। एक तो सोइंग के टाइम में मेनली तो फर्टिलाइज़र देते ही हैं अपन, जैसे भी ये जो है जैसे सोइंग के टाइम पे सीड के साथ मिक्स करके अपने जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो उसको अपने बेसल ड्रेसिंग या जो मतलब उसके जो सीड के साथ जो देते हैं, एक तो वो होता है मेथड, और एक होता है जो अपने ब्रॉडकास्टिंग देते हैं, जो जब क्रॉप ग्रो कर रही होती है जब टाइम पीरियड चल रहा होता है तो इरिगेशन के टाइम अपन एक ब्रॉडकास्टिंग जैसे छिड़कवा विधि से जो अपन फर्टिलाइज़र देते हैं। तो ये है अपना आज का टॉपिक, फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन और इंडिकेटर प्लांट्स। इंडिकेटर प्लांट्स में ये मेनली आपकी दो नंबर में डेफिनेशन आएगी या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन की कमी शो करेगा, आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, या कौन सा प्लांट है जो मोलिब्डेनम की कमी को शो करेगा उसके आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको देखना है। और बस ये इतने, और फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन में भी आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, और या फिर ये चार नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इतना ही है ये। धन्यवाद।